गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने गंगा आरती की और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। अनिल बलूनी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ने। पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी जिस प्रकार से लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आज गंगा आरती करने जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर, क्या कुछ लगातार प्रचार प्रसार भी चल रहा है, घंटा कंठ देवता के दर्शन भी आपने किए आज गंगा आरती के लिए, देवप्रयाग संगम में भी पहुंचे हैं? देखिए, दिन की शुरुआत हमने घंटा कंठ मंदिर से की और समापन हमने गंगा मैया के पास, तो निश्चित तौर पर इससे पवित्र और क्या हो सकता है। पूरा दिन बहुत अच्छा गया है, देवप्रयाग विधानसभा के अंदर बहुत बढ़िया माहौल है और हमारे विधायक जी विनोद कंडारी जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 80% से अधिक वोट इस विधानसभा से ही लाएगी, तो बहुत बढ़िया माहौल। सर, दूरदृष्टि की सोच रखते हैं आप और यहाँ पर गंगा घाट पर जिस प्रकार से आए हैं, यहाँ के लिए भी कुछ सोचा है सांसद बनने के बाद कुछ? देखिए विधायक जी, और हमारी बात हुई है यहाँ पर किस प्रकार से ऐसा आरती का आयोजन किया जाए जो पूरा विश्व उस आरती को देखने आए, और क्योंकि यहाँ से संगम है, देवप्रयाग है, तो यहाँ पर एक ऐसी आरती की व्यवस्था हम लोग जल्दी करेंगे कि वाकई अद्भुत आरती होगी और सारे श्रद्धालु यहाँ आके आरती करना अपना सौभाग्य समझेंगे। देखिए बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से जो है पौड़ी से सांसद प्रत्याशी अनिल बलूनी जिस प्रकार से डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, आज देवप्रयाग संगम में उन्होंने जिस प्रकार से आरती की, उन्होंने कहा कि जब मैं अगर सांसद बनूंगा तो यहाँ पर ऐसे एक आरती का एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया जाएगा जो एक अद्भुत होगा। अपने सहयोगी सुनील कुमार के साथ मोपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देवप्रयाग।